ये हमारे पास एक मोटर है, इसमें हम पेपर पहले से ही लगा चुके हैं। पेपर लगाना इजी काम है दोस्तों, आप भी लगा सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से। इस देखा इस मोटर का इस प्लेट है, इस प्लेट पर लिखी हुई है दोस्तों HP, ये HP लिखी हुई है दोस्तों। ये 1 HP की मोटर है और KB 0.75, और ये बरुणा कंपनी की मोटर है, बरुणा। इस टुलू पंप ऐसे आप बोल सकते हो। इसका हम फुल रिबाइंडिंग दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में, इसका हम कॉइल साइज भी दिखाएंगे। देखें ये इस तरह का आपको लेना है तार, और पिच रहेगी दोस्तों इसके 8। और एक बात है दोस्तों कि ये 1 मिनट का वीडियो दोस्तों उल्टी बन गई है, सिर्फ 1 मिनट का है दोस्तों, फिर 1 मिनट के बाद सीधी हो जाएगी। और इसका पिच है दोस्तों 1 से 8, वो भी आपको दिखाता हूँ गिन करके। देखिए देखिएगा, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी 8 पिच है। इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कॉइलें इस तरह से रहनी चाहिए तारें, और नीचे इस तरह से इतनी खाली रहनी चाहिए। इस तरफ से भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ 1 से 8 पिच है। इसको निकाल लेना है, इसे फर्मे पर आप कसना है, कस करके कॉइलें बनाना है और स्टेटर के अंदर डालना है। देखें ये हमारा फर्मा है दोस्तों, इसे ऊपर से एक खाली छोड़ना है और यहाँ पर कसना है। देखें मैं आपको सभी दिखाता हूँ इस वीडियो में, देखें यहाँ पर 1 2 3 तीन तीन का रहेगा दोस्तों सीरीज। इसको कस लेना है, कस कर मैं आपको कॉइले बना करके आपको दिखाएंगे। देखें बनेंगे इस पर इस पर इस पर, देख सकते हैं दोस्तों आप। देखो ये ऊपर से एक खाली छूट गई है और तीन को बन गई है दोस्तों, तीन का सीरीज रहेंगे इसका। इसका हम खोलेंगे, इसका हम आपको इसका डाटा भी बताएंगे दोस्तों, जो कि परफेक्ट डाटा है दोस्तों, परफेक्ट एकदम। ये हमारा निकल चुका है कॉइल, अब हम डालेंगे। देखें ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पहला तार है जो ये इस तरफ रहनी चाहिए दोस्तों, इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ। पहले वाली किसी में भी आप डाल सकते हो दोस्तों, किसी वाली में डाल दें। ये हमारी देखो डल गई है। अब हम इस तरह हमारा पेपर हम पहले से ही काट चुके हैं, अब हम पेपर लगा देंगे ऊपर से। देखिए पेपर हमारा लगकर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये अब हम दूसरी वाली में डालना 1 से 8, मैं आपको गिन के दिखाता हूँ दोस्तों। ये इस तरह का कॉइल उठा देना है, देखें यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाली में आपको डालना है दोस्तों। 1 से 8 इसके पीछे है दोस्तों, देख सकते हो ये डाल चुके हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 से 8 पीछे दोस्तों, और नीचे 6 खाली छूट जाएंगी। अब हम दूसरी कॉइल डाल के दिखाते हैं आपको, जो उससे बड़ी है। इस तरह को आपको तार घुमा लेना है, और देखें इस तरह लेना है, कॉइल को फोल्ड करना है इस तरह से। ये वाली जो तारे देख रहे हो, आउटर की तरफ निकलती हुई इनर की तरफ जाती हुई इस तरह से आपको डालना है, उसके ऊपर डालना है दोस्तों। बिल्कुल आसानी से चली जाती है दोस्तों चुटकी के की मदद से। ये हमारा पेपर अब हम लगा दें हैं, ये देखो हम पेपर हम लगा चुके हैं। थोड़ी पेपर टाइट जाती है दोस्तों, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है पेपर डालने में। देखें ये हम डाल चुके हैं, ये इस तरह का आपको ले लेना है किसी के सहारे की मदद से इस तरह, फिर उसके ऊपर डालना है चुटकी से, चर चर पाँच पाँच तार कर कर के अंदर डाल देना है दोस्तों। ऊपर से ये फिर पेपर लगा देना है,
जो हम कोयले अभी डाले हैं दोस्तों, ये इसके पीछे दोस्तों 1 से 10 वाली पिच है ये। ये इस तरह को करना है और ये वाली कोयले आपको डालना है 1 से 12 में, लास्ट वाली कोयले हैं। इस तरह को फोल्ड करना है और ये वाली तारे देख रहे हैं दोस्तों, इस तारे को आप ध्यान से देखें और पकड़ें। इसी तार सीधी रहनी चाहिए दोस्तों, कभी उल्टी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 4-4, 5-5 तारे कर करके स्टेटर के अंदर आपको डाल देना है। ये हमारा देखो डल चुका है, अब हम ऊपर से पेपर लगा देंगे। ये देखो पेपर हमारे लग के कंप्लीट हो चुके हैं और ये इस तरफ हम मोटर करेंगे इस तरफ। ये हम कर इस वाली में डालना है दोस्तों, ये देखें इस वाले में भी इसी तरह करना है, 3-3, 4-4, 4-5 तारे कर करके अंदर डाल देना है दोस्तों। और हम ऊपर से फिर पेपर लगाएंगे, देखें पेपर भी लगाते हैं दोस्तों हम, सिर्फ 5 नंबर इकोनॉमिक्स ले वही लगा रहे हैं जो कि पिघलता है नहीं दोस्तों, गलता नहीं गर्म होने पर। अब देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों सीरीज किस तरह जाता है। ये देखो ये जो तारे देख रहे हैं ये वाली, ये कॉइल का ही है दोस्तों, इसको हम कर लेंगे ऊपर। ये देखें ये नहीं है, ये वाली जो देख रहे हैं दोस्तों ये वाली, ये देखें जो नीचे वाली कॉइल से की निकलती है और ऊपर वाली कॉइल की ओर जाती है ये वाली, इसी को आपको पकड़ना है दोस्तों। और सभी तारे इसी तरह से जानी चाहिए कॉइलें, कॉइल को ठीक से शेप देना है दोस्तों अच्छी तरह से बिल्कुल, ताकि और कॉइलें आने में दिक्कत ही नहीं हो। देखें हो गई दोस्तों, अब हम यहाँ पर बांध देंगे दोस्तों धागा, ताकि दूसरी कॉइल डालने में कॉइल इधर उधर नहीं हो। देखें हमने धागा मार दिया दोस्तों, अब इसको यहाँ से कटिंग कर देना है दोस्तों। कटिंग हम कर दिए हैं, ये देखो ये हमारी दूसरी कॉइल है रनिंग की। ये जो तारे आप देख रहे हो ये वाली, ये लेफ्ट हैंड की तरफ रहनी चाहिए, ऊपर से 2 खाली छोड़ देना है दोस्तों। ये देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर से 2 खाली और तीसरी वाली में डाल देना है। इसका गेज है दोस्तों 25 नंबर इसका गेज है, और 25 नंबर से आपको देने हैं 85 टर्ने। जी दोस्तों 25 नंबर इसका तार है और 25 नंबर से 85 टर्ने देने हैं सभी कॉइल में। और स्टार्टिंग का हम बताएंगे आगे इसी वीडियो में, और कनेक्शन भी मैं इसका बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। 3 तार हम निकालेंगे दोस्तों इसमें, और बिल्कुल ही मोटर सीधी घूमनी चाहिए इसी वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि 3 तार हम किस तरह निकालते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, अब हम ऊपर से पेपर लगा रहे हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों इसका नाम है सेपरेटर ये, लेकिन समझाने की भाषा है पेपर लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वाली हो चुकी है, ये देखो दोस्तों इस तरफ भी 2 छुट्टी है खाली और इस तरफ भी 2 खाली छुट्टी है। इसमें इस वाली कॉइल आएंगे, ये वाली जो कॉइल डाले हैं ये हम डाले हैं 1 से 8। अब हम ये वाली जो तारे देख रहे हो दोस्तों, ये भी देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ है, सभी का इसी तरफ रहनी चाहिए। और ये सेकंड वाली जो कॉइलें हैं ये इस तरफ फोल्ड करें, और ये जो तारे देख रहे हैं ये उस तरफ से आती है आउटर की तरफ और इनर की तरफ जाती है इस तरफ, देखें बिल्कुल उसी तरह डाल देना है। मोटर को थोड़ा इस तरह करें और चुटकियों की पतले इशारे से करके अंदर डाल देना है। तारे दोस्तों बिल्कुल ही रहनी चाहिए सीधी रहनी चाहिए दोस्तों, वरना इधर उधर हो जाएगी दोस्तों टेढ़ी, तो फिर स्लॉट के अंदर जाने में दिक्कतें होगी, इसलिए इस लकड़ी की मदद से थोड़ी बिठा देना है और ये फिर ऊपर से पेपर लगा देना है। ये देखें
पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम इस तरफ भी करेंगे। ये वाले तारें देखिए इस तरफ से आई है और इस तरफ हो गई है। मोटर को इस तरफ घुमाएं और ये इस वाले में डालें। दो दो तीन तीन चार तार कर करके अंदर आपको डाल देने हैं। देखें ये हमारी हुई है और ये ऊपर से पेपर या सेपरेटर से आप बोल सकते हो दोस्तों, ज़्यादातर इसका नाम ही सेपरेटर ही है लेकिन ऊपर से समझाने की भाषा में पेपर बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी हो गई दूसरी वाली कॉलें और ये इस तरह को नीचे दबाकर फोल्ड कर देना है, शेप दे देना है कॉइल को इस तरह से। ये हमारी लास्ट वाली कॉइलें हैं रनिंग वाली, ये भी हम डाल देते हैं। ये वाली जो तारे देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली ये आउटर की तरफ आई है और इनर की तरफ जाएगी इस तरह। देखें हमने डाल दिए हैं। ये ऊपर से हम पेपर लगा देना है। ये हमारा हो गया कंप्लीट एक तरफ और एक तरफ बच गई है, उस तरफ भी हम कंप्लीट कर देते हैं। मोटर को इस तरफ घुमाएं और ये इस वाली में डालें, खाली वाली में। दो दो तीन तीन चार तार कर करके आपको डाल देना है। ये लकड़ी की मदद से आसानी से और चली जाएगी। देखें ये हमने डाल दिए हैं और ऊपर से ये पेपर लगा देना है। देखें ये इस तरह से लेना है और ये पेपर धीरे धीरे कॉइल आगे पीछे करके डाल देना है। सभी को दोस्तों कॉइल आगे पीछे करने से आसानी से पेपर चली जाती है। ये हमारा रनिंग वाली कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह को फोल्ड करके सेव कर दे देना है। अब ये स्टार्टिंग वाली भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और इसका मैं कनेक्शन भी बताऊंगा। तीन तार हम निकालेंगे दोस्तों इसमें, तीन तार कैसे निकालेंगे वीडियो साथ बने रहें। ये हमारी स्टार्टिंग वाले हैं, तीन का सीरीज ये भी है, इसे आप खोलना है, खोल करके फिर आपको डालेंगे। देखें ये हमारे खुल गई। अब मोटर को इस तरह घुमा लेना है जिस तरह डालने में आसानी हो। ये वाली तारे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली ये इस तरफ रखनी चाहिए लेफ्ट हैंड की तरफ। इसका पिच है दोस्तों 1 से 8, इसे 1 से 8 वाले में डाल देना है। और स्टार्टिंग का जो गेज है दोस्तों वो है 26 नंबर इसका SWG गेज है और 26 नंबर से आपको देने हैं 120 टर्न। जी दोस्तों 26 नंबर से 120 टर्ने सभी कॉइलों में देने हैं। और ये हमारा अब पहला कॉइल कंप्लीट होने वाला है। देखें ये हमारी हो चुकी है, अब हम पेपर लगाएंगे। देखें पेपर लगाएंगे फिर हम अगला कॉइल भी डालेंगे इस तरह। देखें देखें दोस्तों मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 160 इसके पीछे दोस्तों, और ये इसमें और इसमें आएगी ये वाली कॉइलें, ये वाली 110 वाली में 110 पीछे रहेगी इसके। ये इस तरह को फोल्ड करना है और ये वाली जो तारे देख रहे हो ये आउटर की तरफ जो आती है, जो दूसरी कॉइल को रहती है जुड़ी हुई, जो इनर की तरफ जाती है, इसी तारे को आप ध्यान में रखना है
कि उल्टी ना हो, और यह सलोट के अंदर डाल देना है। देखिए ये हमारी ये भी जा चुकी है और हम पेपर भी लगाएंगे। देखिए अभी इस तरह बटर को घुमा लें और ये इसको भी आप डाल देना है। दो दो तीन तीन तारे कर कर के डाल देनी है दोस्तों। और ऊपर से फिर पेपर लगा देना है। ये तो पेपर लगाना ही है, ये तो क्योंकि ये कंपलसरी है, ये लगाना ही पड़ेगा पेपर। नहीं लगाएंगे तो ये तारे बाहर आ जाएंगे। ये तारे को सेपरेटर के लिए लगाया जाता है। ये इस तरह कॉइल को फोल्ड करना है और शेप देना है कॉइल को। अब ये देखें इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 1 से 10 वह हमारी हो गई है। और ये इसमें और इसमें जाएगी। ये कॉइल को शेप देना है दबा करके अच्छी तरह से। अब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 से 10 इसके पिच है। और जो डालेंगे वो 1 से 12 यानी कि 1 से 12 इसके पिच है। देखें ये हम ये हमारी लास्ट कॉइल है। ये तारे ये आउटर की तरफ आती है और इनर की तरफ जाती है, उसी तरह से जिस तरह का सभी कॉइलों को डालते थे उसी तरह इसको भी डाल देना है। ये हमारी लास्ट कॉइल है दोस्तों। ये हमारी कंप्लीट होएगी, फिर हम आपको कनेक्शन दिखाएंगे। देखें ये हमारी एक तरफ कंप्लीट हो गई और दूसरी तरफ भी हम डाल देते हैं। फिर आपको कनेक्शन देखना है दोस्तों। कनेक्शन भी हम निकालेंगे, इसमें 3 तार निकालेंगे दोस्तों। किस तरह से हम करेंगे आपको वीडियो के साथ बने रहना है। और कोई भी दिक्कतें होंगी दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा। ये बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कनेक्शन करेंगे। ये स्टार्टिंग वाले तारे हैं दोस्तों, सभी हम डाल देंगे अंदर ताकि आपको कोई समझने में दिक्कतें ना है नहीं हो। ये देखें ये सबसे छोटी कॉइल का है और ये सबसे बड़ी कॉइल का है। कनेक्शन देना दोस्तों 1 से 3, 1, 2, 3 ये आमने सामने जॉइंट लगा देना है आउटर आउटर। ये देखें ये हमारा हो गया। इसको यहाँ से कटिंग कर देना है। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, अभी से हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारा हो गया रनिंग 1, ये हो गया रनिंग 2। इसको कर देते हैं नीचे। अब स्टार्टिंग हम निकालेंगे। स्टार्टिंग भी देखो पहले से भी हम ये स्लीविंग लगा चुके हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ये देखें इसका भी ये छोटी कॉल का है, ये सबसे बड़ी कॉल का है आउटर। ये आमने सामने देना है। ये देखें 1, 2, 3 इसका भी 1 से 3 है दोस्तों। आमने सामने कनेक्शन इसमें भी होगा। स्टार्टिंग का भी हो गया है। इसको यहाँ से कटिंग कर देना है। और ये जो जॉइंट है दोस्तों ये वाली, इस पर हम करेंगे सोल्डरिंग। देखें सोल्डरिंग हो जाती है दोस्तों तो ठीक होता है, स्पार्किंग वगैरह नहीं होता है क्योंकि बढ़िया से करंट पार होता है। ये हमारी हो गई। और ये ऊपर से जो स्लीविंग दिए थे 3 नंबर की, ये ऊपर से ये चढ़ा देना है, वो ढक जाएगी। इसका भी स्टार्टिंग वाले भी कर देना है। ये हो गया। अब हमारे टोटल 4 लीडें हैं। देखें ये हमारे स्टार्टिंग वाली कॉइलें हैं और ये इस तरफ घुमाने के लिए ये पकड़े राइट वाले रनिंग तार, इसको बनाकर बना दे कॉमन। अगर आपको घुमाना है इस तरफ तो ये रनिंग को छोड़ दें, स्टार्टिंग को पकड़ें और लेफ्ट साइड वाले
रनिंग को पकड़ें, इसको बना दें कॉमन, तो मोटर इस तरफ घूमेगी, इसलिए मुझे घुमाना है दोस्तों इधर। तो इसको राइट हैंड वाला पकड़ना है रनिंग तार, इसको बनाना है कॉमन। देखें इसको रनिंग वाले तारे हैं, इसको हम बनाएंगे कॉमन। ये दोनों को आपस में जोड़ देना है, जॉइंट लगा देना है, हो गए। ये हम लगा देंगे यहाँ पर, इसका नाम दोस्तों टीओपी है। टीओपी ये कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये 40 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा जहाँ होगी गर्म, तो ये अपने आप ही हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फिर ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। ये वाली तारे हम निकालेंगे बाहर, टीओपी का जो है दूसरा वाली, ये वाली, इस पर हम ब्लैक वाले देंगे तार, ब्लैक हमारा हो जाएगा कॉमन। ये हम निकालेंगे बाहर, ये वाली ब्लैक वाले तारे हैं। अब हम स्टार्टिंग में देंगे हरा वाले तारे, ये वाली स्टार्टिंग में, ये हमारा हो गया। ये कटिंग यहाँ कर देना है। अब हमारे पास ये रनिंग, रनिंग तो जानवे करते हैं दोस्तों, आर से रनिंग, आर से रेड, रेड वाले लगा देना है तार। ये हमारा हो गया, इसको यहाँ से कटिंग देते हैं कर। देखें अब इस पर हम करेंगे सोल्डरिंग दोस्तों, सोल्डरिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सोल्डरिंग हो जाता है तो ठीक रहता है, बेटर रहता है, इसलिए हम सभी में करते हैं सोल्डरिंग। ये हमारा हो गया है, देखें। अब ऊपर से ये वाली लगा देना है स्लीविंग, ताकि आपस में शॉर्ट वगैरह ना हो। और ये इस पर भी लगा देना है, ये हो गई। और इस पर भी ऊपर से स्लीविंग चढ़ा देना है, देखें रेड वाली पे, ये ही लग गई। और हम स्टार्टिंग वाली पर भी लगाएंगे, जो कि हरा वाले तारे हैं। देखें ये हो गई हमारी कनेक्शन कंप्लीट। ये देखो दोस्तों, ये इस पर भी लगा दे देंगे, क्योंकि ये इस पर लगा देने से तारे सब बढ़िया रहती है, गलती वगैरह नहीं। अब ये देखो दोस्तों, ये कॉमन हो गया, इसमें हम डायरेक्ट करंट देंगे। और ये इस वाले में और रेड वाले में कैपेसिटर देंगे, और लाइन देना है लाल वाले में और ब्लैक वाले में। ये इस तरह का आपको लेना है पेपर, जो कि रनिंग स्टार्टिंग के बीच में जो रहता है, जो कि शॉर्ट करने नहीं देता है, ये लगा देना है। ये अगर नहीं लगाओगे दोस्तों, तो आपके मोटर जल्दी ही फूक जाएगी, इसलिए ये रनिंग शॉर्ट नहीं होने के कारण ये लगाया जाता है पेपर।